नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। दबंगों ने की पिटाई, पुलिस ने नहीं लिखा एफआईआर। मामला गोरखपुर जनपद के थाना बेलीपार अंतर्गत ग्राम सभा मलाव का है, जहां अरुण नामक युवक, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, सिर्फ 2 आम तोड़ लिया था, जिसे लेकर अरुण को मार पीट कर हाथ तोड़ दिया गया। इससे भी नहीं जी भरा तो उनकी 2 बहनों, एक करीब 14 वर्ष, दूसरी करीब 18 वर्ष व उसकी मां को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा गया, परंतु थानाध्यक्ष को तनिक भी मानवता नजर नहीं आई। उक्त मामले में एफआईआर तक नहीं दर्ज किया। जी हां, ताज़ा मामला प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर का है, जहां बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मलाव में एक 15 वर्ष का लड़का सिर्फ 2 आम तोड़ लिया तो जमकर उसकी दबंगों ने पिटाई कर दी। यहां तक कि उसके घर वालों को भी नहीं बख्शा। उसकी 2 बहनों और उसके मां को भी घर में घुसकर लाठी डंडों से मारा पीटा। जब पीड़ित परिवार बेलीपार थाना पहुंचा तो उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। आखिर क्या कसूर था कि सिर्फ 2 आम ही तो तोड़ा था, लेकिन इस तरह से मारना पीटना कहां का न्याय है? इससे साबित होता है कि पुलिस की मिलीभगत से दबंगों के हौसले बुलंद है। इस संबंध में अंबेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम ने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। जय हिंद साथियों, मेरे पास 2 बच्चियां आई हैं और मेरे साथ उनकी माँ भी है। साथियों, गोरखपुर के मैं बार बार गोरखपुर के चेहरा दिखाती रहती हूँ, पुलिस प्रशासन की चेहरा दिखाती रहती हूँ कि किस तरह से घटनाएं हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके इसलिए बैठा रहता है क्योंकि यहाँ पे गोरखपुर में गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए कोई न्याय नहीं है। यहाँ पे गरीबों को जीने के लिए ये अधिकार ही नहीं रह गया है कि गोरखपुर में अगर गरीब जी रहे हैं तो उनको किसी तरह से मारा पीटा जाए। साथियों, मेरे साथ ये दोनों बच्चियां दिख रही हैं। इनका कसूर ये है कि इनका भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। इनका छोटा भाई है, इनसे छोटा है, उसने कहीं पे बगीचे में 2 आम तोड़ लिया था। उस बच्चे को दबंगों ने उठा करके पटक दिया, 2-3 बार पटका, हाथ टूट गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और इन बच्चियों को आप देखेंगे कि इन बच्चियों को इतनी बुरी तरह से मारा है कि ये बच्चियां बैठ भी नहीं पा रही हैं। और उस स्थिति मारा घर में घुस करके, ये बच्चियां घर में सो रही थी, दोपहर का लगभग 12-1 बजे का टाइम था। और ये 22 जून का घटना है, अभी 22 जून का घटना है। इन बच्चियों का कपड़े भी फाड़ दिए गए और मारने वाले लोग इतने दबंग हो गए हैं। गोरखपुर में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, कानून के डर ही नहीं है। साथियों, अपराधी किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी का सिर्फ अपराधी ही होता है। ये बच्चियों का कोई कसूर नहीं था, ये बच्चियां सो रही थी घर में, लेकिन इन बच्चियों को मारा गया और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साथियों, मैं कुछ फोटो भी हम आपको डालेंगे, इन बच्चियों के किस तरह से मारा गया है, ये बच्चियां बैठ नहीं पा रही हैं। इनकी माँ है, ये दोनों बच्चियां किसी तरह से हमारे पास आई हैं और यहाँ पे अभी तक इनका ना मेडिकल कराया गया, ना ही एफआईआर किया गया है। और आज भी एफआईआर ना होने के कारण ही गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और एफआईआर ना होने के कारण, आरोपियों पे कोई कार्रवाई ना होने के कारण ही ये आरोपी का मनोबल बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं उनको जो सत्ताधारी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं सह दे रहे हैं कि हम तो हैं, तुम्हें अपराध करना है तो करो, जिसको मारना है तो मारो, लेकिन हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। तो साथियों, गोरखपुर के चेहरे, जो गोरखपुर पुलिस स्टेशन के चेहरे हैं, जो पुलिसों के चेहरे हैं, वो आपके सामने हैं कि किस तरह से दबंगों का, यहाँ आरोपी जो है, आरोपी को कोई खौफ नहीं है कानून का। यहाँ पे जो गरीब हैं वही अपराधी हो गए हैं। उनका जुर्म है कि वो थाने में जाकर के एफआईआर की मांग कर रहे हैं, उनका जुर्म है कि वो न्याय मांग कर रहे हैं, यही उनका जुर्म है। और अपराधी आराम से घूम रहा है, इसीलिए घूम रहा है क्योंकि थानेदार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मेरा मदद कीजिए क्योंकि मैं
मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं बच्चियों को मेडिकल जांच कराऊं। इन बच्चियों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हैं। ये उनकी माता है हमारे सामने, उनकी माता भी आई हुई है और ये बच्चियां अभी किसी तरह से मैं बैठा करके आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मुझे गोरखपुर के प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि आपके जो पुलिस कुछ जगह के जो पुलिस प्रशासन जो अपने आप को तानाशाही जो निरंकुशता का परिचय दे रही है उसको आप देखिए कि इन बच्चियों का क्या कसूर है। ये कहां कहां जा रही हैं, थाने पे बार बार जा रही हैं, थाने पे जा रही हैं, ये न्याय के लिए दौड़ रही हैं लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनको इलाज भी नहीं कराया गया ठीक से कि इनका इलाज भी हो सके, ये बच्चियां बैठ नहीं पा रही हैं। तो साथियों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे भी निवेदन है कि आप अपने पुलिस प्रशासन को आप ठीक से देखिए कि किस तरह से आपके गोरखपुर में बार बार इस तरह से घटनाएं हो रही हैं और बार बार जो पीड़ित लोग हैं जो गरीब हैं उन्हीं के साथ हो रहा है। तो गरीबों को भी जीने दीजिए, ये अपने पुलिस प्रशासन से कहिए क्योंकि संविधान में हमें बराबरी का अधिकार दिया गया है और गरीब हो चाहे अमीर हो उसको भी सम्मान से जीने का अधिकार है। तो इसलिए साथियों आज आप देखिए कि गोरखपुर के चेहरे, गोरखपुर के पुलिस प्रशासन के चेहरे ऐसे हैं और मेरे साथ जो बच्चियां हैं मैं इनके लिए मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आने वाले समय में इनके साथ में खड़ी रहूंगी, इनको इलाज किसी तरह से मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।